गर्मी उफान पर है, ऐसे में पानी की किल्लत से 300 परिवारों का जीना मुहाल होता जा रहा है। 300 घरों पर एक पानी का स्रोत चापानल है, जहां पानी लेने के लिए लंबी लंबी कतार लगी होती है। ये कतार और बेचैन करती है, जब लोगों में बूंद बूंद पानी के लिए कोहराम हो जाता है। जल ही जीवन है, और जब यही जीवन सत्ता के हाथों में हो और सत्ता बेसुध हो, तो लोगों की नाराजगी वाजिब है। ये वही क्षेत्र है जहां से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन विधायक है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि झामुमो की जामा विधायक सीता सोरेन ने रामगढ़ प्रखंड में बुढ़िया पंचायत के अंतर्गत सिंदूरिया हटिया चौक और सिंदूरिया बस्ती को बेसहारा छोड़ दिया है। यहां पानी की बेहद किल्लत है, 300 घरों पर एकमात्र चापानल है, जिससे पानी लेने के लिए घंटों लंबी लाइन लगी रहती है। चापाकल से धीमी गति से पानी आता है, जिस वजह से कतार में लगे लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। आसपास के लोगों की शिकायत है, पानी की किल्लत परेशानी का कारण है ही, इसके साथ ही लोगों के झगड़े से माहौल खराब होता रहता है। आए दिन यहाँ की जनता पानी के नाम पर लड़ाई कर लेती है। हमारी टीम मौके का जायजा लेने पहुंची तो हमने भी पाया 2 घंटे से यहाँ कतार लगी थी। चापाकल जहाँ मौजूद है वहाँ तक पक्की सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है। इस सिलसिले में हमने स्थानीय प्रधान से बात की। प्रधान कहते हैं, हमने कई बार जनप्रतिनिधि को सिंदूरिया बस्ती में पानी के किल्लत के बारे में बताया, हर बार सिर्फ आश्वासन देकर वापस लौटा दिया जाता है। विधायक सीता सोरेन भी सूत लेने नहीं आती। जब हमने इस पर विस्तार से पड़ताल किया तो पाया कि यहाँ के लोगों को पानी लेने के लिए हर रोज करीब 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। उम्मीद है जामा विधायक की नजर जल्द ही समस्या की तरफ जाएगी और यहाँ के लोगों को जल्द ही पानी की किल्लत से निजात मिलेगा। यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और इस बार एक टीम बन के हम लोग सोच रहे हैं कि एक मीडिया हाउस बन के हर गांव में एक अच्छा उम्मीद जगाने का किरण हम लोग सोच रहे हैं कि करेंगे। तो क्या इस बार समझ में आ रहा है कुछ कि चापाकल का क्या स्थिति रहेगा? चापाकल का स्थिति तो अभी वर्तमान समय में बहुत ही खराब है, लेकिन अब अगर इस ये आप एक युवा हैं तो आज क्या देख रहे हैं, आज की समस्या को क्या बताना चाह रहे हैं? आज की समस्या तो सबसे बड़ा है कि आज के दिन में जल ही जीवन है, और जल बहुत बड़ा संकट है हमारे जीवन में, हमारे समाज में। तो अगर जल ही ना मिले तो खाना ना मिले तो हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना तो 24 घंटा के बाद तो हम लोगों का स्थिति खराब हो जाता है। आखिर क्या सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप लोग? पानी दे तो। पानी चाहिए, हाँ। नया चापाकल चाहिए, हाँ। शुभ नाम क्या हुआ? बुलेश कुमार। इस गांव में क्या समस्या है? इस गांव में सर सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। चापाकल कितना है यहाँ पर? चापाकल सर सिंदूरिया 2 किलोमीटर का बस्ती है, जिसमें एक आधे चापाकल जो है रोड साइड कहीं चापाकल नहीं है। हम लोग गाँव से 125 किलोमीटर दूर में जाके पानी के लिए लाइन लगते हैं। चापाकल भी पानी देना बंद कर देता है, चापाकल सूख जाती है। जैसे हम लोग 1 घंटा से अभी यहाँ पानी, जनप्रतिनिधि को बोला गया था, बहुत बार इस समस्या को दिया गया, वीडियो हो गया, मुखिया हो गया, सबको सब आश्वासन देके चला जाता है सर। आखिर जो 5 साल में सांसद बनता है, विधायक बनता है, इन पर भी कोई कुछ? हर बार सर वोट के समय पर आता है, हम लोग समस्या को रखते हैं, बोलता है ठीक है हमको इस बार विधायक बनने दो, सांसद बनने दो, कर देंगे, उसके बाद 5 साल में मुँह दिखाने नहीं आता।